तो पहला अगर सिर्फ साइन है आपके साथ, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अलाइनमेंट में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। बट ये अगर सेकंड साइन आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप डिवाइन के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ चुके हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111, लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उन दो साइंस को जो आपको बता देंगे कि आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले साइन की तरफ कि ये साइन क्या है। तो पहला साइन ये है कि आपके मन में जो जो चीज़ें आती है वो सारी रियलिटी में उतरती जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो फास्ट होने लगती है। यानी कि कोई भी चीज़ आपके मन में आई है, आपको उसको मुंह से बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मन में रखे ही उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके सामने आ जाती है। और ये हर समय होता है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। नो, ये कुछ ऐसा है कि हर कोई चीज़ आपकी रियलिटी में उतरती जाती है। यानी आपके मन में जो कुछ भी होता है वो रियलिटी में उतरता है। तो ये एक पहला साइन है कि आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हो। इस वजह से आपके मन में आपकी जो जो डिज़ायर्स है, राइट, जो आप चाहते हैं, वो सारा कुछ एक 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 करके आपकी रियलिटी बनते जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा साइन क्या है। और ये you know, बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है जो आपको बताएगा कि यस, यू आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद डिवाइन, विद द यूनिवर्स। और ये साइन ये है कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एफर्टलेस हो जाती है। यानी कि आपकी लाइफ की जो जो चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, कोई है जो सारी चीज़ें, चीज़ों की अरेंजमेंट आपके लिए करा रहा है। जी हाँ, ये एक बिग साइन है जो आपको बताता है कि आप अभी डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। यस, ये होता है फ्रेंड्स। एक समय ऐसा आता है कि चीज़ें अपने आप घटित होती जाती हैं, आपसे वो चीज़ें कराई जाती हैं, आपका जो कर्ता भाव है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, जिसे भगवान ही सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है या फिर आपके थ्रू करा रहा है, राइट। आप करने वाले कुछ भी नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, एक्शन तो हमें ही लेना पड़ता है, राइट। डेफिनेटली एक्शन आपको लेना पड़ता है, बट जो काम है वो बिल्कुल ईजी और एफर्टलेस हो जाता है। जी हाँ, जो इससे पहले आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, किसी काम को पूरा होने में कोई दिक्कत आ रही थी, राइट, वो नहीं आती, रास्ते खुलते जाते हैं और बिल्कुल ईजीली आपका काम होता है। कोई भी काम आप करने के लिए जाओ, वो काम आपका बेहद, मतलब बिल्कुल ईजीली हो जाएगा, आपको किसी भी तरह के एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। या फिर अब तक आपके जो काम रुके हुए थे, सालों से अगर कोई काम आपके रुके हुए हैं, वो नहीं बने हैं, वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो ईजी और एफर्टलेस बन जाती है। कि जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है या फिर आपके मन में जो जो चीज़ें आई हैं, बिल्कुल स्मूथली होते जाएंगी और आप ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है,
सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। यस, ये होता है और आप में से बहुत लोग इसको एक्सपीरियंस भी कर पा रहे होंगे। डेफिनेटली जो नहीं कर पा रहे उनके मन में थोड़ा सा डाउट भी आ रहा होगा कि ये कैसे होता है। तो अपने अनुभव से आप इसको ज़रूर पहचान पाएंगे कि हाँ, ऐसा सुना था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट? तो पहला अगर सिर्फ साइन है आपके साथ, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अलाइनमेंट में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। बट ये अगर सेकंड साइन आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप डिवाइन के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ चुके हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।